Go, go. एकदम लाल हो गया फेक स्माइल नहीं, असली असली कंडीशन दिखाओ फेस की, कैसे हो रही? गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो आज है बहुत टाइम बाद ग्रुप राइड, हम लोग टोटल 4 लोग जा रहे हैं आज। बहुत टाइम बाद ग्रुप राइड कर रही हूँ मैं। आज हम जा रहे हैं 7 ताल। राइड करके नहीं जाएंगे, ट्रैक करके जा रहे हैं। जंगल के रास्ते एक ट्रेल है तो उधर से ही जा रहे हैं। अभी रानीबाग पहुँच गए, अभी कुछ दोस्त हमारे आगे मिलेंगे हमें डाइवर्जन पे। तो अभी हम लोग जो है ऊपर बलौट रिजॉर्ट पे पहुँच गए हैं। यहाँ से पूरी चढ़ाई है ऊपर, पूरा टॉप तक जाना है इसी रोड के। फिर वहाँ से ट्रैक है करीब 3 से 4 किलोमीटर का है, हमें भी नहीं पता कितना एग्जैक्ट, मतलब फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं हम तीनों यहाँ पे। एक बंदा और था आने वाला, आज आया नहीं, वो पता नहीं कुछ काम वगैरह हो गया से, तो हम तीन ही हैं अभी। सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं उन्हें क्रॉस करना है हमें, उसके उस पार जाना है, उस पार 7 ताल है। हमने जो है स्टार्ट वीडियो नीचे से नहीं किया क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा था, अभी सनराइज़ हुआ यहाँ पे, उसके बाद स्टार्ट किया। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे मार दिया है शॉर्टकट, पूरा टर्न था एक लंबा वाला, वहाँ से हम सीधे ऊपर पहुँच गए। लेकिन ये पूरी चढ़ाई है एकदम खतरनाक, झाड़ी झूड़ी हो रही इधर। लेकिन ये है कि यहाँ से हम लोग जल्दी पहुँच गए ऊपर, ये सीधे ऊपर वाली रोड में पहुँच गए, नहीं तो पूरा लंबा घूमना पड़ता। अरे और मेरी भी ऐसी गई थी यहाँ पे। वो कितने सुंदर तोते हैं इधर, बहुत सारे तोते उड़ रहे हैं, एकदम झुंड आया हुआ है। हमारे साइड तो दिखते ही नहीं है। तो पहाड़ों को देखते देखते चढ़ाई हो जा रही है, धूप इतनी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है, एकदम मुँह पे लग रही है अभी। बस ये लास्ट चढ़ाई है हमारी साइकिल से, उसके बाद पैदल ऊपर ट्रैक स्टार्ट करना है साइकिल उठा के। बस ये आगे वाला मोड़, उसके बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा 7 ताल के लिए। और वो सामने जो एक वाटरफॉल है इधर दिख नहीं रहा है अभी, इतना सुंदर लगता है बरसात के टाइम पे, बहुत बड़ा आ जाता है, इधर जाने नहीं देते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किया इधर जाने का, लेकिन गांव वाले बोलते हैं रास्ता नहीं है। बस थोड़ा सा ही पहुँचने ही वाले हैं हम टॉप में। लोग पता नहीं पीछे इतनी गप्पे मारते हुए आ रहे हैं। ओ यहाँ से गांव कितना हरा भरा लग रहा है नीचे। जो ये 7 ताल वाला ट्रैक है, इसका बहुत टाइम से करने का सोच रहे थे, लेकिन यही था कि जब भी मैं यहाँ पूछने आती थी वो बोलते थे अकेले मत जाओ, ग्रुप में जाओ। तो फिर अभी बहुत मतलब प्लान किया हमने कुछ टाइम पहले। हम पहुँच गए जहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना है हमें, थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, बहुत ही पसीना हो गया खतरनाक, एकदम धूप लग रही है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, कुछ बहुत ही पतला रास्ता है यहाँ पे, तो नीचे एकदम खाई है बहुत बड़ी। आगे से शायद रास्ता प्लेन हो तो ठीक है, नहीं तो साइकिल चढ़ाने में प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे कुम्मर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा पैरों में। अरे बाप रे, यहाँ पे तो थोड़ा सा पैर नीचे गया और नीचे खाई में सीधे भूई। हाँ अपने लिए जगह नहीं हो रही साइकिल, आगे पीछे चलना पड़ रहा है। गांव वालों की लाइन हो गई है, टूट गई है पूरी, गांव वालों का पानी यहाँ पे। नहीं खतरनाक चढ़ाई है ऊपर से, तो भयंकर भयंकर पत्थर है, देखना कितने खतरनाक लग रहे हैं। और ये तो मुझे लगा आगे प्लेन रास्ता होगा, यहाँ तो और खड़ी चढ़ाई है, और इतना पतला सिंगल रेल बनी हुई है, एक पाँव नीचे और सीधे भ्यो में घुरी जाएंगे हम लोग। ऊपर से साइकिल भी है, हम आ गए हैं भ्यो में। वो पहाड़ों में कहते हैं ना भ्यो, बड़े वाले चट्टान, ऊँचे ऊँचे पत्थर के पहाड़, वही हो रहे हैं। अभी पता नहीं कितना आ गए हैं हम लोग किलोमीटर, क्योंकि चढ़ाई में तो ये थोड़ा सा भी बहुत लगता है, लेकिन शायद अभी 2 किलोमीटर भी नहीं हुआ है। ये जो पहाड़ दिख रहा है ये सही पार करना है लग रहा है, अभी थोड़ा सा और है। लेकिन पूरा चढ़ाई, ऊपर से धूप हो रही है और रास्ता कुछ ऐसा है, इतनी खतरनाक कांटे वाली झाड़ी हो रही है, पूरे कपड़ों में ऐसे, मतलब ये जो कुम्मर होते हैं जंगली घास के जो कांटे होते हैं ये लग गए हैं, बहुत ही चुभ रहे हैं चलने में।
बस थोड़ा सा ही है, खतरनाक एडवेंचर हो गया आज तो। ऊपर से इतना पसीना हो रहा है, बापरे लग ही नहीं रहा, जाड़ों का महीना दिसंबर चल रहा है। Keep going. ये रास्ता है तो अच्छा, बहुत अच्छी ट्रेल है, लेकिन अभी हमारे पास है साइकिल, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ये कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो जा रहा है साइकिल के साथ। पैदल बहुत मज़ा आता है सर, जो ट्रेल है ना पूरा, पर साइकिल ले जाके एक अलग ही मज़े है। मैं तो साइकिल को नहीं छोड़ सकती थी नीचे, जहाँ मैं जाऊँगी साइकिल उधर ही जाएगी कैसे भी। तेरी अभी मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, ये लोग नीचे आ रहे हैं तो इनका वेट कर रही हूँ मैं। ये पीछे मैंने अपनी साइकिल रखी, साइकिल लटकाने का भी नहीं हो रहा, सीधे पीछे कोई भाग रही साइकिल यहाँ पे। तो अभी पता नहीं कितना बचा है मैप में भी, यहाँ नेटवर्क तो सही से आ नहीं रहा, पता नहीं चल पा रहा है। तो बहुत ही पूरा मुँह लाल हो गया एकदम धूप से, इधर हल्की सी छाव भी नहीं है, एक तो छोटी छोटी झाड़ियाँ, इधर तो बहुत ही कम जो है छाव आई है, तो इधर पर छाव आई थी, मैं पूरा लेट गई इधर। ये लोग नीचे आ रहे हैं, इधर दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी थोड़ा सा दूर है लग रहा है, मैं थोड़ा जल्दी आ गई आगे। ओ तेरी, खतरनाक रास्ता है, वैसे है तो बहुत अच्छा रास्ता, पैदल जो ट्रैक करना है उसके लिए बहुत सही है, हमारे पास साइकिल है इस वजह से थोड़ा मतलब मज़े तो आ रहे हैं ले जाने में, लेकिन यही हो रहा है कि थोड़ा कांटे वाटे लग जा रहे हैं, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है अभी तक, नहीं तो हम पैदल होते तो बहुत ऊपर पहुँच गए होते, क्योंकि पैदल उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ट्रैक ईजी है, इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। मैं तो गाँव में तो हम ऐसे ही चलते हैं तो आदत है। हाँ इनकी आवाज़ आ रही है, पहुँच गए लग रहा है, पता नहीं कितना ऊपर जाना है यहाँ से, लेकिन मज़ा आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है, कांटे भी चुभ रहे हैं, साइकिल भी ऊपर चढ़ा रहे हैं, सब कुछ एक साथ हो रहा है। और यहाँ से अभी व्यू तो मतलब पूरा जंगल ही है चारों तरफ, बगल में एक झरना सा बह रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है इधर, बहुत सही अच्छा लग रहा है। मुँह ऐसे उबल रहा है पूरे गाल एकदम, इतनी हीट हो गई पूरी बॉडी में, ख़तरनाक लग रहा है। यहाँ पर हम लोग हैं, हमारी साइकिल है और सन्नाटा है और झरने की आवाज़, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं, और तेज़ धूप एकदम सर पे लगती हुई। मैंने जुगाड़ कर दिया, अपने टायर वायर निकाल दिए, टायर पकड़ के ले जा रहे हैं, फ्रेम पकड़ के ले जा रहे हैं, एक चला गया आगे, मैं तो ऐसे ही ले जा रही पूरी साइकिल, मैंने निकाल दिया सिपाही की तरह। अभी उतर सकता है, ये परमानेंट हो गया ऊपर तक। हम लोग कुछ ऐसे लगे हुए, मैं तो धक्का मार के ही ले जा रही हूँ ऊपर, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है एकदम, हाथों से पूरी जान निकल रही है। ये दो लोगों ने पूरे टायर वायर निकाल के ऐसे ले जा रहे हैं, बीच में यहाँ पे तो पेड़ भी गिरे हैं, तो पूरा रास्ता है थोड़ा सा कच्चा कच्चा, एकदम कच्चा रास्ता होता है जैसे गांव में सीमेंटेड वो दिखाया है। और इधर एक पानी का स्रोत भी है, खतरनाक जंगल में कुछ तो आज दिखी, ऐसे लग रहा है थोड़ा पहुँचने ही वाले हैं हम। इससे पहले तो ऐसा हो गया था, वो ट्रेल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और धूप इतनी भयंकर हो रही, पूरा मुँह एकदम लाल पीला नीला हो गया। तो ऊपर चलते हैं, पता नहीं कितना दूर है यहाँ से अभी। आपका गाँव कहाँ हुआ? तीन हम आगे या भी आएंगे और? हाँ, पर से तीन हो गया। अच्छा साइकिल के साथ लगता है अंकल जी। तो ऐसा ही लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक तो चढ़ाई है उससे बहुत ज्यादा। धन्यवाद अंकल, मिलकर अच्छा लगा, पहला इंसान दिखा मेरे रास्ते में। साइकिल जोड़ रहे हैं, पूरा टायर वगैरह फिक्स कर रहे हैं, मैंने तो निकाली नहीं थी क्योंकि मेरा छोटा फ्रेम है, तो मेरी मुंडी उसमें घुसने रही थी, तो इसलिए मैं पूरा धक्का मार मार के लाई, हाथों में पूरी बैंड बज गई एकदम, पूरा इधर उधर पूरा दर्द हो रहा है शोल्डर्स में। तो इधर बस पहुँच ही गए, यहाँ से प्लेन दिख रहा है, थोड़ा राइड कर सकते हैं हम लोग क्योंकि पहुँच गए हैं हम सातताल के गाँव में, उससे थोड़ा सा आगे जो है लेक के पास पहुँच जाएंगे हम। सातताल लेक आए किस लिए? बोलो बोलो किस लिए आए? क्योंकि आस्था ने बुलाया, इसलिए मैंने नहीं पे लिखा था इसलिए। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली बहुत देर बाद साइकिल को रगड़ रगड़ के चला के अब जो है यहाँ पे राइड कर रहे हैं। थोड़ा सा पता नहीं कितना रास्ता है जाने का, यहाँ से सातताल पहुँच ही जाएंगे, बस कब से सैडल के ऊपर बैठ रहे हैं, अभी तक साइकिल को अपने ऊपर चढ़ा चढ़ा के ला रहे थे, फाइनली अब साइकिल के ऊपर बैठे हैं हम लोग। ओ तेरी, पता नहीं कितना लंबा रास्ता है, वे अंकल तो बोल रहे थे थोड़ा सा है, थोड़ा सा ही हो, हमारा सुबह से थोड़ा थोड़ा तो बहुत ही थोड़ा हो रहा है। मैं अपने भी उल्लू बना दिया, दिखा तू सारा था, लेकिन चढ़ाई होने की वजह से टाइम लग गया हमें थोड़ा सा, नहीं तो आ ही जाते, पैदल में तो अभी आना जाना दोनों हो जाता, पैदल भी आऊँगी यहाँ पे, पैदल मतलब तो विदाउट साइकिल। चलो हाँ मैंने बना रही, यहाँ से आ गया डाउनहिल, मैंने अपना हेलमेट पीछे लगाया हुआ है अभी, हर बार नीचे लटक रहा है।
फाइनली डाउनहिल करने को मिल रही है। इतनी देर बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, ओ अलग ही मजे है यार। डाउन आ गया, मुझे लगा यहाँ से होगी चढ़ाई, लेकिन यहाँ से पूरा डाउन था एकदम। ओ एकदम है घना जंगल। वो कितने सही ट्रेल है, कहाँ खुल रहा है किसी के घर। फाइनली हम लोग जो है पहुँच गए हैं सात ताल। नीचे दिखाई दे रही है लेक, इधर से पेड़ लगे हुए हैं। अभी ये वाला रास्ता है नीचे, डाउन के लिए जा रहे हैं यहाँ से। एक रास्ता ये है इधर, ये डाउन हिल करेंगे यहाँ से। चलो मैन तो स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। ये लोग पीछे विवेक अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हमें एक बड़ी डाउन हिल करने के लिए मिल रही है, लग रहा है बड़ी तो क्या, मतलब नीचे लेक दिख रही है कैमरे में, पता नहीं आ रही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से इतनी सुंदर लग रही है ना लेक, मज़ा आ गया। मतलब ये पानी देख के इतनी खुशी हुई ना। ये है पूरी सात ताल लेक। ये थोड़ा पत्थर पत्थर है, तो यहाँ पे धीरे धीरे ही चला रही हूँ मैं, क्योंकि गई तो वैसे ही टांगों में, टांगों की वाट लगी हुई है नीचे से पूरा ऊपर चढ़ चढ़ के, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ डिसबैलेंस होती है तो इधर उधर जाऊँगी मैं। पीछे से भी आ रहे हैं मेरे दोस्त लोग। जितना जितना लेक के करीब जा रहे हैं ना, खुशी बढ़ते ही जा रही है यार। सुबह से जो मेहनत कर रखी है ना यहाँ तक आने की, जो ट्रैक है, ओह माय गॉड, मतलब बीच में तो खतरनाक वाला हो गया था एकदम ही। मतलब लग रहा था क्या हम कहाँ सही रास्ते में है, नहीं है, कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन फाइनली लास्ट मोमेंट में जो है एक अंकल दिखे थे। ओ पहुँच गए सात ताल हम लोग। यार देखो यहाँ से कैमरे में लेक दिख रही है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन जो यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, ओ माय गॉड है कितना सुंदर लग रहा है। हो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं डाउन भी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ओ माय गॉड, ये डाउन हिल इतना क्रेजी है ना, मज़ा आ गया। मतलब अभी तक का बेस्ट डाउन हिल लग रहा है मुझे। पूरा स्ट्रीप एकदम बहुत खतरनाक, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है उस हिसाब से। ये हम जो सात ताल लेके उसके बैक साइड से एंटर हो रहे हैं शायद, क्योंकि ये हिडिम्बा टेंपल को जाता है, YMCA वाला रास्ता है। हो फाइनली हम पहुंच गए हैं, और इसी के ऊपर जो रास्ता एक जाता है हिडिम्बा आश्रम है, जो हिडिम्बा मंदिर है यहाँ पे, वहाँ जाता है। ये है इधर सात ताल के पूरे नज़ारे एकदम। ये लेक है इधर, बोटिंग वगैरह कर रहे हैं लोग यहाँ पे, टूरिस्ट। तो अभी हम लोग जो है सात ताल लेक से वापस आ रहे हैं, भीमताल की तरफ जा रहे हैं। अभी हम राइट करके जाएंगे, क्योंकि दोबारा से उससे ट्रैक से जाएंगे फिर तो लेट हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो है भीमताल की तरफ जा रहे हैं। टाइम अभी 2:15 हो रहा है, थोड़ा सा बैठे हम लोग, सात ताल में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। सिकंजी भी हमने, उसके बाद अब आ गए हैं। क्लाइंब है यहाँ पर थोड़ी सी बस, फिर तो पूरा डाउन ही है एकदम। वहाँ पे जब हम डाउन हिल कर रहे थे, सात ताल पहुँचने वाले थे, वो जो खुशी थी ना वहाँ पहुँचने की, वो तरीके उसको बता ही नहीं सकती। इतनी ज़्यादा जो सुबह से मेहनत कर रहे थे, ऊपर से जब लेक व्यू दिखा ना, इतना सही लगा। पहुँच गए घर के, क्योंकि हमें लगा एकदम हम सुबह से गलत आ रहे हैं, फिर उसके बाद चले जाते, लेकिन वो जो लास्ट के डाउन हिल थी ना, उससे पूरी थकान उतार दी एकदम। ऐसा लग रहा था वो अभी तो फ्रेश है बॉडी, मज़ा आ गई थी। मतलब खतरनाक सांसें फूल रही, अब तो खाया भी कुछ नहीं हमने, अभी सवेरे से कुछ नहीं खाया है। हमने सोचा सात ताल खाएंगे, लेकिन लोग बोल रहे भीमताल में कोई एक अच्छी जगह है वहीं पे चलेंगे, तो हमने सोचा थोड़ा सा और देर से ही। सुबह हमने 3 केले खाए थे, और क्या खाया था, हाँ नमकीन, बस हो गया। ऐसे ही चले जा रहे, पता नहीं कौन सी पावर आ रही है। दोस्तों आप लोग बताना कैसा लगा आपको ये ट्रैक, यहाँ की पूरी जर्नी, हम लोग के ऊपर चढ़ना, ये सब कमेंट करके पक्का बताना। बहुत मेहनत लगी आज, बहुत ज़्यादा, मतलब जो हम सोच के आए थे उसका दुगना हो गया है। तो पैदल तो कुछ भी नहीं था, लेकिन साइकिल के साथ थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था। रास्ता बहुत ही पतला, ट्रेल थी जो बहुत ही पतली थी, एकदम नैरो बोलते हैं ना, एक इंसान चल सकता है। फिर हमारे पास साइकिल भी थी, तो मज़ा बहुत आया। लेकिन सबसे बेस्ट था लास्ट में जो हम जो डाउन हिल करके आए, उसमें जो एनर्जी आई ना बॉडी में, लग ही नहीं रहा था उतना लंबा जो है
ट्रैक हम लोग चढ़ के आ रहे हैं ऊपर। तो मैं एकदम जादू बन गई हूँ, यहाँ चल रही है बहुत ही ठंडी हवा, उसके कारण सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। एकदम सुबह से चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, इसकी वजह से भी और हवा चल लग रही है तो और ज़्यादा दर्द हो रहा है। और नीचे कुछ यूट्यूब के दोस्त भी मिले थे मुझे, अच्छा लगा उन सबसे मिल के। नाम क्या है? इधर हमने खाना खाया, बहुत ही टेस्टी खाना, हमारी भूख मिटाई यहाँ पे, फुल हो गया। आवाज आ रही, पैर टूट गए फिर से। अरे 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 अरे, जोर लगा के है, हिस्सा गिर गई।